यस एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड। आगे बोलो दीपांशु। देखो देखो हाँ इनपुट सीजीएसटी भूल गए देखो। हाँ काफी महीनों हो गए अभी कह रहे थे आज पढ़ाओ नहीं। टू टू बैंक टू दीवान फर्नीचर है ना। सो दिस वाज ऑफ 80,000। 80,000 का 9% सेंट्रल गवर्नमेंट का है ठीक है। 7200 14400 बीच में ऐड हुआ ये बन गया 94,400। 50% हमने कैश ऑनलाइन बैंकिंग में पे कर दिया इसका 50% बोलो 47,200। सो दोनों में 47,200 डाल दो। लेट मी चेक द की। बिल्कुल ठीक डन। सो हियर बाय ही कैन आस्क कैलकुलेट द अमाउंट विद विच दीवान इज टू बी क्रेडिटेड इन द जर्नल एंट्री। सो इन दैट केस यू नीड टू कैलकुलेट इट राइट। अगली लाइन लिखो आफ्टर सम टाइम इसी के साथ लिखो आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द अबव परचेसेस टू चेयर्स वर सोल्ड। आपने सोच समझ के मेरे को बताना टू चेयर्स वर सोल्ड फॉर ₹12,000 एट कॉस्ट। आफ्टर सम टाइम लिखो आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द अबव परचेसेस टू चेयर्स वर सोल्ड ₹12,000 एट कॉस्ट ₹12,000 at cost, राइट। नलिन आपने एंट्री बोलनी है आफ्टर सम टाइम इसी में से दो चेयर्स बेची 12,000 में क्या एंट्री होगी। सोच लो टेक टू मिनट्स। गुरुकिरात ऑल्सो यू विल टेल मी 20 on 20। After some times, two chairs from the above purchases sold for 12,000 at cost. अगर किसी ने पहले एंट्री पास कर ली है तो यू कैन रेस योर हैंड। बोलो जी। वेरी गुड। गलत सेल क्यों होगा वाई सेल। आई एम नॉट डीलिंग इन फर्नीचर। इट्स परचेसेस। इट्स वॉट फर्नीचर। इट्स नॉट सेल। पुराना एसेट बेचा हमें चेयर नहीं पसंद आई हमने बेच दी। और क्या बोला कॉस्ट में बेची है। कॉस्ट मींस नीदर प्रॉफिट नॉर लॉस। 12,000 में खुद ने खरीदी होगी 12,000 में बिक गई। एंट्री बोलो। पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक तो नहीं लिखा कैश ही लिखो फिर। कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर। आप अपना खरीदा हुआ फर्नीचर बेच रहे हो तो आउटपुट करना बनता है क्योंकि इसका इनपुट अगर डेबिट हो चुका है तो आउटपुट क्रेडिट होगा। टू आउटपुट सीजीएसटी नई चीज है। टू आउटपुट एसजीएसटी। कितने का फर्नीचर था 12,000। फर्नीचर वॉज ऑफ 12,000। 12,000 का 9% उसे लेंगे ना उसे बोलेंगे जीएसटी पे बेचना है मैंने 9% 1080 ये बन गया 2160 1460 मिल गया डन। इट्स नॉट सेल। इंटेंशनली उसने अच्छा क्वेश्चन बनाया कि सोल्ड का हमेशा बच्चों के माइंड में होता सेल। बट आई एम नॉट डीलिंग इन फर्नीचर। आई एम नॉट रनिंग अ फर्नीचर शॉप। क्यों जब बच्चे ऊपर वाली एंट्री में आपने फर्नीचर को डेबिट किया जब वही खरीदा हुआ फर्नीचर आप बेचोगे तो सेल क्यों करेंगे। आफ्टर सम टाइम फ्रॉम द अबव परचेसेस यही तो वर्ड बोला मैंने ठीक है ना। तो फर्नीचर इज टू बी क्रेडिटेड। अगली सारी एंट्रीज आपने विनोद फर्नीचर मार्ट अमृतसर पंजाब की बुक्स में करनी है ठीक है। प्रोप्राइटर का नाम मैंने बोला मैसर्स विनोद फर्नीचर मार्ट अमृतसर पंजाब। वेजेस पेड टू डेली वर्कर्स 30,000 और ही बोलो फटाफट। वेजेस पेड टू डेली वर्कर्स ₹30,000 बिल्कुल ठीक है। जीएसटी वगैरह वेजेस में होता नहीं है। वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश दैट इज 30,000।
टेलीफोन बिल रुपए 2000 पेड ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग प्लस जीएसटी 18%। टेलीफोन बिल रुपए 2000 पेड ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग प्लस जीएसटी 18%। टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिटेड 2000, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड 2000 का 9%, कितना बनेगा 180। ठीक है, हाँ, टू इनपुट एसजीएसटी 180, और क्योंकि ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू है टू बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग में मेरे बैंक अकाउंट में से तो पैसे जाते हैं, तो इट इज सेम एज ऑफ चेक ना। ठीक है, नो चेंज इन द जर्नल एंट्री। सो अ न्यू थिंग वी आर लर्निंग फ्रॉम दिस बुक दैट वंस ही इज पुटिंग ऑनलाइन इंटर बैंकिंग इन द क्वेश्चन, सो इट इज टू बी ट्रीटेड सेम एज ऑफ योर चेक। हाँ चलो ये लिखो, ये लिख के ही होगा। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4000, मार्केट प्राइस रुपीज 5000, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4000, मार्केट प्राइस रुपीज 5000। नोटबुक में लिख लो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा जर्नल एंट्रीज वी आर डिस्कसिंग एंड नोट इट डाउन। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 4000, मार्केट प्राइस रुपीज 5000 आर गिवन एज चैरिटी, आर गिवन एज चैरिटी। चैरिटी और डोनेशन के केस में इनपुट रिवर्स होता है, याद रखेंगे आप, उसने साथ में लिखा 12% जीएसटी वॉज पेड ऑन दीज गुड्स एट द टाइम ऑफ परचेजेस, 12% जीएसटी वॉज पेड ऑन दीज गुड्स एट द टाइम ऑफ परचेज, जीएसटी वॉज पेड ऑन दीज गुड्स एट द टाइम ऑफ परचेज। डोनेशन की जर्नल एंट्री पास करो, अमाउंट वगैरह लिख के आराम से करो। दो चीजें दे रखी हैं, वन इज कॉस्ट एंड अदर इज मार्केट प्राइस। डोनेशन इज ऑलवेज बीइंग गिवन एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस। क्रिश मेरी, लेट हिम स्पीक, व्हाई कॉस्ट, व्हाई नॉट एमपी? एमपी इज ग्रेटर, वी शुड गिव डोनेशन एट एमपी, नो? व्हाई? एक मिनट, हाँ अच्छा, जितने कम में देंगे उतना ठीक है। एनी अदर लॉजिक, व्हाई नॉट एट एमपी? जितने में हम लोगों ने खुद खरीदा है उतने पे ही डोनेशन देंगे, डोनेशन से प्रॉफिट थोड़ी ना कमा सकते हैं। प्रॉफिट वी ऑलवेज अर्न फ्रॉम सेल, वी आर नॉट सेलिंग इट इन द मार्केट, सो हाउ कैन वी रिकॉर्ड आवर डोनेशन एट एमपी? इट इज ऑलवेज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस, राइट? So entry banegi, donation account debited, two purchases, two input reverse karna hai, two input CGST, ye theory aati hogi tabhi kar paoge, donation ke case mein, purchase return ke case mein, aur kis mein inverse hota hai, reverse hota hai, drawings ke case mein bhi hota hai, drawings of goods। ठीक है, जब प्रोप्राइटर खुद सामान ले जाता है पर्सनल पर्पस के लिए तो आपका इनपुट रिवर्स होता है, टू इनपुट एसजीएसटी। तैयारी नहीं करनी शुरू करी अभी। परचेसेस कितना कॉस्ट है? 4000 का 99%, 360, 360, सो इट विल बी 4720। एनी डाउट टू एनीवन? अच्छा 6-6% है, ठीक है जी, 240 कर लो फिर, 240 बनेगा, 240 ही बनाया मैंने, 18 कर लिया ना, दिस इज 240 दैट विल बी 448, डन। सो दिस वाज अ रिकॉलिंग दैट डोनेशन के केस में वी जस्ट रिवर्स आर इनपुट। इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 8000 पेड ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेबिट कार्ड सुजश? एक मिनट, डेबिट कार्ड का मतलब क्या है? आम भाषा में लोग डेबिट कार्ड को क्या कहते हैं? आम भाषा में डेबिट कार्ड इज आल्सो नोन एज, मान लो केबीसी का क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड इज आल्सो नोन एज, ऑप्शन नहीं बताऊंगी, एटीएम कार्ड इज नेम एज डेबिट कार्ड। क्या मतलब है उसका? हाँ वही है, तो आपने बोला तो है नहीं, अभी आप कह रहे हो हाँ वही है। डेबिट कार्ड इज कॉमनली नेम्ड एज एटीएम कार्ड, क्या मतलब है? मेरा अपना पैसा है, मैं बैंक में से विड्रॉ करवा रही हूँ, जैसे मैं विड्रॉ करवाऊंगी बैंक उसमें डेबिट कर देगा,
बैंक में हमारा पैसा जब हम निकलवाते हैं तो डेबिट होता है, जब हम उस कार्ड में पैसे जमा अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं तो क्रेडिट होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड? डेबिट कार्ड तो मेरा अपना पैसा मैं निकलवाती हूँ, एक मेरे को फैसिलिटी मिल गई राउंड द क्लॉक 24 आवर्स में कभी भी किसी भी एटीएम में से जाके अपना पैसा निकलवा सकती हूँ। आई नीड नॉट टू स्टैंड इन द लॉन्ग क्यूज इन द बैंक, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड? बिल्कुल ठीक है, बैंक हमें क्रेडिट पीरियड देता है, आमतौर पर ये 40 डेज का होता है, एक तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। ठीक है, बैंक ने मेरे को 50,000 का क्रेडिट कार्ड इशू किया तो आई कैन यूज दैट 50,000 ऑफ बैंक, राइट? चाहे एक इंस्टेंस में, चाहे आप रिवाइज होती रहती है आपकी वो क्रेडिट लिमिट, और आपको मंथली 40 डेज के बाद वो पैसा जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बैंक्स ये जो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी देते हैं, इंटरेस्ट नॉमिनल सा होता है या नहीं होता, ठीक है, सिर्फ बैंक अपने क्लाइंट्स को बढ़ाने के लिए क्रेडिट कार्ड क्या करता है, इश्यू करता है। अगर आपने उसकी इंस्टॉलमेंट में डिले कर दी तो आपके ऊपर इंटरेस्ट का चार्ज लगेगा, अदरवाइज इट इज ऑलवेज एट फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? सो क्रेडिट कार्ड मीन्स बैंक का पैसा आप यूज कर रहे हैं, एक तरह का लोन है, एंड दैट लोन इज अ शॉर्ट टर्म लोन, विद इन 40 डेज का सर्कल होता है, उसमें आपको वो पैसा रिटर्न करना होता है। यस, व्हाट आई वाज आस्किंग, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 8,000 पेड ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 8,000 पेड ऑनलाइन थ्रू डेबिट कार्ड, यस है ना? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, आना बिल्कुल 8,000, ठीक है। मतलब अगर आप अपने डेबिट कार्ड एटीएम कार्ड से भी आता है ना, जब ऑनलाइन सारी पेमेंट करते हो यूपीआई के थ्रू करना, अपना डेबिट कार्ड आपका आ जाता है, क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन आ जाती है, ठीक है, तो यू आर यूजिंग योर डेबिट कार्ड फॉर दिस पेमेंट। बैंक चार्जेस ₹40,000 प्लस जीएसटी 18%, बैंक चार्जेस पे भी जीएसटी लगता है क्योंकि सर्विस है ना बैंक की। बैंक चार्जेस ₹400 प्लस जीएसटी 18%, बैंक चार्जेस ₹400 प्लस जीएसटी 18%, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिटेड इनपुट, बिल्कुल ठीक है, इनपुट सीजीएसटी डेबिटेड, इनपुट एसजीएसटी डेबिटेड टू बैंक, बिल्कुल ठीक। सो इट वाज 400, 99% डिवाइड कर दें, 36, 472 बैंक हम लोगों से ले लो, ठीक है जी। सो बैंक चार्जेस में भी ही इज टॉकिंग अबाउट जीएसटी। चलो एक डिस्काउंट वाला करते हैं, नहीं पहले ये करते हैं, गुड्स लॉस्ट बाय फायर लिखो, लिखते होगा ये, गुड्स लॉस्ट बाय फायर कॉस्टिंग ₹4,000, गुड्स लॉस्ट बाय फायर कॉस्टिंग ₹4,000 and goods costing ₹5,000 were taken by personal use of the proprietor, goods costing ₹5,000 were taken by the proprietor for his personal use, 12% GST was paid at the time of purchase of these goods। reverse करने वाला है भाई, दोनों compound entry करोगे। आदित्य आपने बोलनी entry, GST was paid at the time of purchase of these goods, आदित्य होगी पहली एंट्री, पहली नहीं कंपाउंड ही बोलनी है, बोलो। 12% जीएसटी वॉज पेड ऑन दीज गुड्स एट द टाइम ऑफ परचेज, कशिश आप बोलोगे, बिल्कुल ठीक। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिटेड ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड, ठीक है जी। लॉस बाय फायर कितने का है, बाद में फिल करें कि अभी कर दें? 2 purchases, 2 input सीजीएसटी, 2 input SGST। मेरे हिसाब से पहले ये वाली टर्म्स फिल होंगी,
परचेसेस ओवरऑल इधर चार है इधर पांच है, नाइन हो गया, छः परसेंट, नाइन सिक्स है 54, 540, 540, 540, 540 बनना। अब क्या करूं, इसमें 4000 इसका था, माइंड में कैलकुलेट कर लो, 4000 का 9%, 9 नहीं है 6, 4000 का 6%, 240, ठीक है, ये बनेगा 2420। कैलकुलेशन नहीं समझ आई, यू कैन आस्क। मैंने लॉस बाय फायर में लॉस बाय फायर की अमाउंट डालनी है ना, इस 9 में से 4 लॉस बाय फायर का था, तो टैक्स में से भी निकाल लेते हैं उतना, 4000 का 6%, बाकी रह गया 5, या डिफरेंस से निकाल लो, 5 रह गया इधर, 5 का 6%, ये मैंने गलत किया ना, दोनों ऐड करने हैं ना, मैंने डबल करने हैं ना, मतलब 12 करना है ना, 48। अब 5000 रह गया, 5000 का सीधा 12% करो, 600, 56 टोटल चेक कर लो तभी बनेगा। समझ लग गई डिवीजन कैसे करनी है, कंपाउंड एंट्री कैसे करनी है। सो दिस यू कैन आस्क विद व्हाट अमाउंट यू विल बी डेबिटिंग द जर्नल एंट्री, डेबिटिंग द ड्रॉइंग्स इन द जर्नल एंट्री, डेबिटिंग द लॉस बाय फायर इन द जर्नल एंट्री। सो दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। हाँ, इसे अलग अलग कर दी अपनी कन्वीनियंस के लिए, हम अलग अलग नहीं करेंगे, हम इकट्ठी करेंगे। गुड्स परचेज इन कैश लिखो, गुड्स परचेज इन कैश फ्रॉम मोहन, फ्रॉम मोहन फॉर रुपीज 10,000, फॉर रुपीज 10,000 outside the state, outside the state, less 10% TD, less 10% TD and 5% CD, and 5% CD, GST rate is 12%, GST rate is 12%. Online students, they will also do this. Goods purchased in cash from Mohan, rupees 10,000, outside the state, 10% TD and 5% CD. हो गया, तुम्हारे अमाउंट्स भी फिल हो गई, अमाउंट्स फिल हो गई, आपने बोला यस। आईजीएसटी लगेगा क्योंकि आउटसाइड द स्टेट है, ठीक है। आई एम वेटिंग, टेक 2 मिनट्स एंड टेल मी द जर्नल एंट्री। अमाउंट आप फिल करवाना, एंट्री में लिख के रखती हूँ। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड, इनपुट आईजीएसटी डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड टू कैश, सीडी को तो शो करना है ना, गुड्स वी हैव परचेज 10,000, ठीक है जी। उस दिन भी डिस्कस किया था, पहले टीडी माइनस करेंगे और बाद में जीएसटी ऐड करेंगे और फिर जीएसटी ऐड करने के बाद डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सेम फंडा वी आर गोइंग टू फॉलो। लेट मी सी, 10% टीडी है, 1000 माइनस किया, जीएसटी कितना बोला मैंने 12%, 9000 का 12% ऐड किया, कितना बना 1080, 0, 8, 0, 10। अब इसके ऊपर कैश डिस्काउंट मिलना है, कितना लेस सीडी, कितना आया बेटे 5500, चेक करते हैं, इतना ही है।
बिल्कुल ठीक है, अमाउंट फिल करवाओ, अमाउंट फिल करवाओ, परचेसेस 9000, इनपुट आईजीएसटी 1080, डिस्काउंट रिसीव्ड 10,000, इसमें से माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा 76,59,9576. Any doubt to anyone? So that point has again been verified. That firstly, what we have to do? We have to deduct TD. TD minus करने के बाद जो amount आएगी उसमें GST add करो. ठीक है? GST add करने के बाद जो amount आएगी, फिर cash discount क्या करो? Minus करो. ठीक है? So this point already we have discussed. अब इसी को करते हैं sale में. Sold goods to Sohan लिखो. Sold goods to Sohan. outside the state for rupees 20,000 less 10% TD and 5% CD and 5% CD, payment was received by check, GST rate 12%. चलो करो जी सेल के अंदर. मैं एंट्री लिख के रखती हूँ सेल की, अमाउंट आप फिल करवाओगे इस बार, मैंने नहीं करना कुछ भी. बैंक के थ्रू पेमेंट मिली है और आपने डिस्काउंट भी दिया है. बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल टू आउटपुट IGST क्योंकि आउट ऑफ द स्टेट है. ठीक है? यस, सी द स्टूडेंट्स, दिस इज बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स टू आउटपुट IGST. सो एंट्रीज इन फ्रंट ऑफ यू, यू हैव टू फिल द अमाउंट. यस, सॉरी, आप जिसने कर लिया पहले रेज योर हैंड एंड टेल मी द अमाउंट. TD 10, CD 5, 20,000 का सामान है, 2,000 पहले माइनस करें, 18, GST कितना बोला मैंने, 12%, 18 का 12% ऐड करेंगे, 2160061, 20,160, इसका 5% CD है, 1013. ठीक है जी, 2,519. चलो जी फिल करवाओ. बैंक में ये अमाउंट आएगी, डिस्काउंट में ये अमाउंट आएगी, सेल 18 की होगी और 2160 आपका IGST. एनी डाउट? होल कैलकुलेशन वॉज इन फ्रंट ऑफ यू, आई जस्ट पुट इट एट द रिस्पेक्टिव प्लेसेस. डन, सो दैट इज एनफ फॉर टुडे, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे. मेरे हिसाब से GST डन है, कुछ MCQs इसे एडिशनल बुक में से होंगे, वी विल डिस्कस.